हमारे सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं संतोष भगत, आप देख रहे स्वतंत्र सागर न्यूज, आपका स्वागत है। लॉकडाउन के बाद देश के कोने कोने से अत्यावश्यक सेवा, पुलिस मेडिकल सेवा लोगों तक पहुँचाने में स्थानीय प्रशासन अपनी ओर से सभी प्रयास कर रही है। आम जन तक पहुँचती सुविधाओं के लाभ का जायजा लेने हमारे संवाददाता ने वसई विरार शहर के अलग अलग विभागों में जाकर विभिन्न व्यवस्थाएं संभाल रहे पुलिस, डॉक्टर, आम लोगों से की बातचीत। आवश्यक चीजों की आपूर्ति, रोग बचाव के उपाय, पुलिस विभाग में ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों का आह्वान, इन सब विषयों पर प्रकाश डालते हुए संवाददाता यूसुफ अली की ये स्पेशल रिपोर्ट। सर, आपका नाम? रिजवान सिंह। सर, क्या कहेंगे लॉकडाउन के बारे में, आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ पर जो सुबह में थोड़ी बहुत रश होता है, गोली नाका है ये, और लोग जो लोकल लोग हैं वो थोड़ी बहुत खरीदी करने के लिए निकलते हैं। कुछ लोग सिलेंडर की वजह से और अपने घर की ज़रूरत के लिए निकलते हैं, और यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हैंडल कर रही है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर माहौल ख़राब नहीं है। पुलिस और प्रशासन ने यहाँ पर बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। कितने दिन से बंद हुई नमाज यहाँ? ये नमाज आज सरकार के आदेश के हिसाब से गए जुम्मा से टोटली बंद है, और यहाँ पे जुम्मा की नमाज होती नहीं है। यानी आम पब्लिक कोई भी नमाज पढ़ने नहीं, कोई भी पब्लिक यहाँ पे आती नहीं, क्योंकि सरकार का आदेश है कि कोरोना जैसे बीमारी क्या आज पूरी दुनिया में फैली हुई है और उसका प्रभाव ज़्यादा ना पड़े, लोगों को ज़्यादा उसकी तकलीफ ना हुई, इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी नमाज पढ़ने के लिए आते नहीं। और हमने ट्रस्टी का भी निर्णय ले लिया है कि यहाँ पे कोई नमाज ना पढ़े, और जुमा की गए जुमा में भी नमाज नहीं होगी, इस जुमा में भी नमाज नहीं हुई, और सरकार के आदेश के तो इसके आगे यहाँ पे जब तक सरकार का आदेश नहीं होता तब यहाँ पे जुमा की नमाज नहीं होगी। सर, आपका नाम? सचिन भोई। अभी इस समय में आपके पास में मेडिकल को लगने वाली सब इक्विपमेंट या मेडिसिन, उसका सप्लाई बराबर आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है, कोई रेगुलर सप्लाई नहीं है, ना मेडिसिन का आ रहा है, ना सर्जिकल चीज़ों का आ रहा है, काफ़ी शॉर्टेज है, खास करके ग्लोव्स, मास्क, इन चीज़ों का बहुत शॉर्टेज है। फिर आप कैसा मैनेज कर रहे हैं? फार्मा का तो हम लोग जाके काउंटर से लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनका वो कहना ऐसा है कि उनके पास स्टाफ नहीं है, और इसकी वजह से वो लोग भी सप्लाई नहीं दे पा रहे। काउंटर जाने के बाद काफ़ी वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ रहती है, जहाँ पे मुझे लगता है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो पाता है। आपके इधर आपका सर कोरोना वायरस को लेके जो माहौल बना हुआ है उस पर आपका डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छे काम कर रहा है, उसके लिए पहले तो आपको सर सैल्यूट। और आपकी तरफ से जन जागृति के लिए आप क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे? थैंक्स टू मीडिया एंड थैंक्स टू पब्लिक। पब्लिक को यह सलाह देना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंस ही रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी वो किससे मिलेंगे तो कम से कम 1.5 मीटर का डिस्टेंस रख के वो उससे बात करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें, क्योंकि ये कोरोना वायरस वेरी डेंजरस है। ये जो अपन घरों में रहेंगे तो ही कंट्रोल हो सकता है। अपनी जो इंडियन कल्चर है उसमें से जो और फॉरेन कल्चर है इसमें बहुत अंतर है, लेकिन अब इसके अपने कल्चर के वजह से हम इसको बचा सकते हैं, तो इसलिए लोगों ने इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जहाँ सब्जी मंडी है अपने लेके जाएं, एक ही आदमी आए, औरत या आदमी घर से बाहर निकले, अकेला ही आए और सामान सब लेके एक दिन में ही लेके जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना निकले, और बच्चे और बूढ़े के लोगों को तो निकालना नहीं चाहिए। नमस्ते सर, आपको गुड नेम? मैं डॉक्टर विवेक कांतिकर, करीबन 35 साल से विरार में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं फिजिशियन हूँ। सर, एक कोरोना के समय में आप क्या एक डॉक्टर की हैसियत से क्या लोगों को कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो सारी दुनिया का मसला है, लेकिन आमतौर पे अभी विरार जैसे जगह, ये जो सेमी अर्बन एरिया वगैरह आते हैं, वहाँ डीजी ने कहा है कि डिस्टेंसिंग इज द बेस्ट ऑप्शन टू प्रिवेंट द कोरोना वायरस इन्फेक्शन। तो वैसे ही साइंटिफिकली ये देखा गया है कि जितना अच्छा डिस्टेंसिंग रखेंगे ये आने वाले 14 दिन में वगैरह, तो कम से कम ये बीमारी फैलेगी और कम से कम अपने को तकलीफ होगी। नहीं तो भारत जैसे इतने महान देश में जहाँ आबादी बहुत है और इलिटरेसी
डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहने की वजह से ये अगर से बीमारी फैली तो बहुत मुश्किल आने वाले, वो देखते हुए जो कुछ भी किया जा रहा है कर रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, हम सबको साथ देना चाहिए। हम बात और एक है कि बार बार अपने को जब कांटेक्ट में किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हाथ बार बार धो लेना इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि हाथ एक ऐसी चीज़ है जो अपने बॉडी के हर चीज़ को टच करते हैं, अपन नाक आँख मुँह, तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हाथ भी अपना बार बार धोने से या सैनिटाइजेशन से साफ करने से बहुत सारी चीज़ें अपन बच सकते हैं, बचा सकते हैं, कोविड को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी छोटी मोटी तकलीफ हो तो फौरन डॉक्टर से सलाह इत्तला करके ही कोई दवाई लीजिए। सर्दी खांसी खास करके या फॉरेन ट्रैवल कोई भी करके आता है तो उसको खांसी सर्दी बुखार जल्दी कम नहीं होता है, जो चार दिन के ऊपर चढ़ता है फौरन उसको किसी अच्छे डॉक्टर को बता के जाँच कर लेनी चाहिए।